तुम दोनों यहां बैठी हो? क्या बातें हो रही हैं? चलो मत बताओ, तुम्हारी शादी को तो अभी 4 महीने हो गए हैं ना? कोई खुशखबरी? चलो कोई बात नहीं, इतना टाइम नहीं हुआ। लेकिन सारा, तुम्हारी शादी को तो 3 साल हो गए ना? मैं जानती हूं तुम मुझसे कुछ कहोगी नहीं, लेकिन कौन नहीं चाहता। मैं तो तुम दोनों से ये पूछने आई थी कि आज खाने में क्या बना है। दाल चावल। दाल चावल मैं तो नहीं खाऊंगी, पैसा भी नहीं खाएगी। आज तो तुम दोनों ने कुछ अच्छा बनाना था ना? आखिर तुम्हारी सास को हवालात की हवा खाने से बचाया मैंने, और सारा तुम्हारे शोहर को तो इतनी मार पड़ती, इतनी मार पड़ती अगर मैं ना बचा। तो तुम दोनों कुछ अच्छा बनाने जा रही हो या पुलिस स्टेशन फोन करूं? आप हमें ब्लैकमेल कर रही हैं? अरे मैं तो यूं ही कह रही हूं, तुम तो बुरा ही मान गई। हाँ क्या हो रहा है? ये कह रही है कि इन्होंने आपको और फरीक को गिरफ्तारी से बचाया, इसलिए हम कुछ अच्छा बनाएं वरना ये पुलिस को फोन कर देंगी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? पहले फरीद को चप्पल मारा, हमारी बेइज्जती की, अब हमें ब्लैकमेल कर रही हो? ब्लैकमेल करना होता ना उन्हें पुलिस स्टेशन की नहीं, तुम्हारे और अनवर की बात बताती। बोलो, बता दो उन्हें तुम्हारी सारी बात, बता दो। बस इससे आगे एक लफ्ज भी कहा तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी। देखा, ये होती है ब्लैकमेलिंग, अगले के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। अच्छा सुनो, मेरे कोई अच्छा सा खाना बना के दो। कोई पुलाव, बिरयानी, कोरमा निहारी टाइप। आज के दिन मैं चुप कर जाऊंगी, कल की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा खाना तो जो बनेगा सो बनेगा, अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, अपने हाथ से बना के एक चाय की प्याली पिला दो। मैं अपने कमरे में हूँ।